इस बार ब्रेक हो जाता है तो एक बड़ा करेक्शन हमें दिखेगा, वो है 21,000 के आसपास वो बड़ा करेक्शन आएगा। हेलो एंड वेलकम, तो बिटकॉइन एंड क्रिप्टोकरेंसी मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। ओके, तो अभी इजराइल का वॉर चल रहा है फिलहाल, तो उसकी वजह से बहुत इसका इम्पैक्ट हो सकता है बाकी मार्केट्स के ऊपर भी। तो आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। ओके, लेवल वाइज तो हम हमेशा जाते ही वैसे, तो देखो जब कभी वॉर होगा हमेशा मोस्टली यूएस स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है। तो अगर यूएस स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है तो आपको पता है कि क्रिप्टो मोस्टली डॉलर के ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर यूएसडीटी समझो स्टॉक मार्केट में करेक्शन आ जाता है तो उसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट में भी हमें करेक्शन देखने मिल सकता है। ओके, तो फिलहाल अभी यूएस ओपन हो चुका होगा तो थोड़े टाइम के बाद मे बी आज हो सकता है वॉर की वजह से थोड़े क्राइसिस वहां पे हो जाए, उसकी वजह से क्रिप्टो में भी आपको फॉल वहां पे दिख सकता है। ठीक है, तो बीटीसी नीचे की तरफ चांसेस है, वैसे फिर भी सपोर्ट जोन्स में आपको दूंगा, उनके ऊपर और उनके नीचे आपको बुलिश या बेरिश होना है। ठीक है, तो आगे डिस्कस करेंगे वैसे। और अभी कल और परसों 11 और 12 तारीख को, मतलब दो दिन में एक इवेंट भी है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले इजराइल वॉर की वजह से क्या होता है कि अगर स्टॉक मार्केट में करेक्शन आ जाए तो बीटीसी के ऊपर भी बेरिश प्रेशर बनेगा। तो जैसे बीटीसी गिरेगा अल्टकॉइंस में भी गिरावट आ जाती है ना, तो ऐसे जनरली देखा गया है। अब इवेंट्स की अगर बात करेंगे तो देखो 11 अक्टूबर को इवेंट है, 11:30 बजे रात को FOMC का एक मीटिंग है, तो उसकी वजह से थोड़ा वोलेटिलिटी आपको तब एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंडियन टाइम रात को 11 बजे 11 तारीख को, ठीक है, रात को 11:30 बजे 11 तारीख को। ओके, और उसके बाद 12 तारीख को CPI इवेंट है जिसमें कोर इन्फ्लेशन रेट फेड अपने डिस्क्लोज करती है, उसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो CPI इवेंट है 12 तारीख को शाम को 6 बजे। ओके, तो ये दोनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर अभी बेरिश प्रेशर तो ऑलरेडी वॉर की वजह से बना है, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। कल 11 और 12 तारीख के आसपास बड़ा मोमेंट हम मार्केट में देख सकते हैं, आइदर डाउन साइड हो सकता है, थोड़ा टेम्पररी ऊपर के साइड भी हो सकता है। ओके, तो लेवल्स मैं आपको दूंगा, आपको लेवल वाइज ही जाना है हमेशा। ओके, अब देखो BTC की बात करेंगे तो 28,000 मैंने आपको लास्ट वीडियो में 10 दिन पहले लेवल दी थी, तो वो अभी तक क्रॉस नहीं किया है। मैंने बोला था कि 28,000 के ऊपर जाएगा तो ही आपको वहां पे बुलिश हो सकते हो आप 29,000 तक, और 29,000 अगर क्रॉस करता है तो अब ट्रेंड हमें देखने मिल सकता है। लेकिन फिलहाल क्या हो गया, 28,000 पे ही मार्केट रुक गया, उसकी वजह से उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया डेली क्लोजिंग। तो अभी के लिए बात अगर करेंगे तो फिलहाल 28,000 हमारे लिए काफी अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, जब तक 28,000 क्रॉस नहीं होता आप बुलिश एक्शन मत लेना। ठीक है, 28,000 से नेक्स्ट टारगेट वैसे 29,000 का रहेगा, अपडेट कर दो हमें, डोंट वरी। ठीक है, जस्ट होल्ड कीजिए। 28,000 अगर क्रॉस होता है, अभी के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस है ये, अगर क्रॉस होता है तो ही 29,000 तक ज्यादा से ज्यादा आप ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो दो सपोर्ट्स मैं आपको दूंगा, पैटर्न भी दिखा देता हूँ एग्जैक्टली क्या पैटर्न हम अभी देख रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक पहले तो ये फ्लैग पोल हमने बहुत लास्ट वीक आइडेंटिफाई किया था, तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुका है वीकली के ऊपर। तो फिलहाल के लिए ये जो एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ये आपके लिए थोड़ा अभी के लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। ठीक है, तो ये जो लेवल है 27,000, ये काफी क्रिटिकल लेवल है, तो 27,000 पे आपकी नजर चाहिए। यहाँ से क्या हो सकता है कि 27,000 के आसपास थोड़ा हम शॉर्ट टर्म करेक्शन देख सकते हैं। ओके, तो शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट फर्स्ट है। ठीक है, ये, और उसके बाद नेक्स्ट अपने लिए सपोर्ट बनता है वो 26,400 का। ओके, वो ये वाला जोन है, अगर ये वाला लो चला जाता है मार्केट का 26,300 पकड़ लो, ये वाला लो अगर क्रॉस हो जाता है ना तो उसके बाद बड़ा क्रैश आपको देखने मिल सकता है। तो 26,300 एक लेवल याद रखना, तो सपोर्ट्स मैंने दिया है और दो लेवल दिए। देखो बेसिकली क्या है कि 28,000 अगर क्रॉस होता है, क्या होता है मार्केट बहुत बार इनिशियली एक फेक मोमेंट करता है। क्या हो सकता है, इवेंट जब आएगा 12 तारीख को तो हो सकता है एक बड़ी मोमेंट ऊपर की तरफ करते हैं पहले, जिसमें बहुत से लोग ट्रैप हो सकते हैं बुलिश ट्रेंड में। तो 29,000 तक ही वो एक्सपेक्ट करो, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से वीक चला आता एक वीक जाती है ऊपर तो 29,000 पे रिजेक्शन आके बड़ा डंप आगे हो सकता है। ठीक है, तो 29,000 बहुत क्रिटिकल लेवल है याद रखना, वहां पे उसके आगे ही आप लॉन्ग जा सकते हो जो अभी के लिए काफी मुश्किल है फिलहाल। तो 27,000 तक ही एक्सपेक्ट करो सपोर्ट। बहुत बार मार्केट क्या होता है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास बहुत सारे लिक्विडिटी होगी, हो सकता है ये ग्रैब करे लिक्विडिटी, यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट ऊपर की तरफ करे फिर से नीचे की तरफ भी कर सकता है। तो फिलहाल 27,000 पे आपकी नजर चाहिए, 28,000 इवेंट के दिन ही आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या करता है। तो 27,000 सपोर्ट लेगा और फिर नीचे की तरफ हम यहाँ से एक छोटा रिवर्सल देख सकते हैं अगर सपोर्ट 26,300 का काफी अच्छा है। ओके, तो वो जब तक ब्रेक नहीं होता, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ब्रेक नहीं होता ना, तब तक बड़ा बेरिश एक्शन एक्सपेक्ट मत करो। और अगर ये 26,000
300 इस बार ब्रेक हो जाता है तो एक बड़ा करेक्शन हमें दिखेगा, वो है 21,000 के आसपास वो बड़ा करेक्शन आएगा, याद रखना ठीक है। अब इस महीने हो सकता है इस महीने में नहीं आएगा, नेक्स्ट मंथ में वो आ सकता है, ओके ऐसे भी चांसेस होते हैं। तो मार्केट थोड़ा थोड़ा करके नीचे की तरफ, लेकिन 21,000 जोन की तरफ आपकी नजर चाहिए अगर 26,000 के नीचे हम किसी केस में आना स्टार्ट हो जाए। तो ये लेवल अभी अभी के लिए मैं ऐसे रखता हूँ, देखो नेक्स्ट अपडेट रहेगा तब हम शायद इसको देख भी पाएंगे, ओके। तो देखते हैं अभी फिलहाल के लिए बीटीसी की ये सारे लेवल्स है, और इवेंट तो मैंने बता दिया 11 और 12 तारीख को है, तो उसके वजह से वॉर की वजह से बेरिश प्रेशर रहेगा मार्केट में। 28,000 के ऊपर भी चला जाए मार्केट तो बहुत ज्यादा बुलिश मत होना, 29,000 पे रिएक्शन आ जाएगा, वहां से एक फेक आउट करके हो सकता है मार्केट डंप हो जाए, ठीक है। तो 29,000 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा एक दो वीक्स के लिए, उसके बाद ही हम ज्यादा बुलिश हो सकते हैं ऊपर की तरफ, ओके। तो फिलहाल वैसे मत रहो, बुलिश मत रहो, वॉर की सिचुएशन है, स्टॉक मार्केट में भी आपको रिएक्शन दिखेगा ही थोड़ी देर में, तो ओवरऑल ये पिक्चर आप याद रखना, ठीक है। पैटर्न्स की अगर बात करेंगे तो ये फ्लैगपोल पैटर्न ऑलरेडी है यहाँ पे, बिगिनर्स कोर्स में हमने देखा है, आपने बिगिनर्स कोर्स नहीं किया है ट्रेडिंग का तो चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल पिक्चर ऐसे दिख रहा है, अगर ये फ्लैगपोल अगर ब्रेक हो जाता ना तो बेसिकली यहाँ से 21,000 तक ही वो आएगा, ओके। तो बड़ा पिक्चर भी आपको दिखा रहा हूँ मैं, छोटा पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, दोनों तरफ से आपको मार्केट के ऊपर नजर रखनी पड़ती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही काफी है, और देखते फिर अभी कैसे कैसे मार्केट लेवल प्ले करता है, और बाद में हम अपडेट दूंगा वैसे मैं आपको। और फ्यूचर्स कोर्स ऑलरेडी हमने बिगिनर्स कोर्स तो किया है, फ्यूचर्स कोर्स भी स्टार्ट किया है चैनल के ऊपर, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।